हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। वेरीफाई द फॉलोइंग, तो आपको इनको वेरीफाई करना है जो आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है। सो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से ही प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करना होगा कि दोनों की जो वैल्यूज़ हैं सोल्व करने के बाद क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो ये वेरीफाइड हो जाएगा, अदरवाइज वेरीफाइड नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 18 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए पहले हम हमेशा क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखा क्या है 7 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस का 3, तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस और जो माइनस की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, हमारा नेगेटिव में आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई नाउ 7 माइनस 3 इज 4। क्लियर? सो 18 मल्टीप्लाई 4 एंड योर रिजल्ट इज हियर 72। नाउ हम सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, तो क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करते हुए चलेंगे, तो 18 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 126 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 18 है प्लस, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है माइनस का 3, तो मतलब क्या होगा, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई ही कर देंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 18 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ पे हम, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, राइट डाउन कर दी हमने ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा 126 प्लस में 18 3 का क्या हो जाएगा 54, और ये कैसा आएगा 54, ये पॉजिटिव है और ये नंबर कैसा है, नेगेटिव है, और हम जानते हैं जब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्ट कैसा आता है, हमारा नेगेटिव आता है, तो इट्स मीन ये 54 कैसा आएगा, नेगेटिव। सो नाउ 126 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा माइनस के 54, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो क्या आपका रिमाइनिंग रहेगा, 6 माइनस 4 इज 2 एंड 12 माइनस 5 इज 7, 72। नाउ आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल टू आ रहा है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, सो ये क्या हो जाएगा वेरीफाई। क्लियर? अगर ये इक्वल नहीं आता तो ये वेरीफाई नहीं होता, तो आपको बस ये प्रूव करना है। आपने अगर ध्यान से देखा होगा क्वेश्चन को, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना हमारी, वो ही थी इसमें यूज़ की हुई थी कि 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस माइनस 3, इसको यहाँ पे ओपन करके लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया है। नाउ मूव करते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। देखिए नेक्स्ट में क्या है, माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय माइनस, यहाँ पे है माइनस 4 प्लस माइनस ऑफ 6, माइनस 21 मल्टीप्लाई माइनस 4 एंड प्लस में माइनस 21 मल्टीप्लाई माइनस 6 आपको दिया गया है, तो अब हम ब्रैकेट से ही सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहले हम बड़ी ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, बड़ी ब्रैकेट के अंदर उनको सॉल्व करेंगे। आप देखिए माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 6। ठीक है, तो पहले हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, सो माइनस के 21, अब देखिए माइनस का 4 एंड माइनस के 6 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन कैसा आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं सेम, तो माइनस के क्या हो जाएंगे 10। अब देखिए माइनस 21 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 10 से करनी है, तो अगर हम बात करते हैं नेगेटिव साइन की, हम जानते हैं कि नेगेटिव मार्क जो इंटीजर है उसकी मल्टीप्लाई अगर नेगेटिव नंबर से ही करेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, हमारे पास पॉजिटिव आएगा। सो अप्लाई कर देंगे, नेगेटिव एंड नेगेटिव ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब बात आती है 21 और 10 की मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं तो हम पहले क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिख देंगे, ज़ीरो एज इट इज़ लिख दिया। अब सिर्फ आपने 21 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1 से करनी है, सो 21 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 21, सो योर आंसर इज़ 210। अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 21 मल्टीप्लाई बाय क्या है माइनस का 4, और प्लस में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस का 21 और मल्टीप्लाई में कितना है माइनस का 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे, अब देखिए 21 माइनस का है और 4 भी कैसा है माइनस का है, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। नाउ 21 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 4 वन ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8, सॉल्व हो गया कंप्लीट प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस के 21 और माइनस के ही 6, यानी कि नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई नेगेटिव से हो रही है तो रिजल्ट कैसा आएगा पॉजिटिव, सो यहाँ पॉजिटिव साइन लगा दिया हमने। नाउ देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 वन ज़ा 6 एंड 6 टू ज़ा 12, अब देखिए दोनों नंबर कैसे हैं पॉजिटिव है, जस्ट आप ऐड करेंगे, सो 4 एंड 6 10, 8 प्लस 2 10 एंड 1 11 एंड 1 एंड 1 2, सो 210। अब हम जब चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड
साइड के, सो ऑल्सो दिस इज वेरीफाइड. क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. 4NA इंटीजर ए, व्हाट इज माइनस वन एंड ए इक्वल टू. यानी आपके पास कोई इंटीजर गिवन है तो अगर हम उसकी नंबर उसकी मल्टीप्लाई माइनस वन से करें तो उसके किसके इक्वल टू होगा, उसका रिजल्ट आपसे पूछा गया है. तो मतलब क्या दिया है आपको, माइनस वन की मल्टीप्लाई ए से करनी है. सिंपल. अब देखिए जो माइनस वन है वो कैसा है, नेगेटिव, और जो ए है वो कैसा है, पॉजिटिव. और माइनस नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर की जब मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्ट कैसा आता है, नेगेटिव आता है. सो जब आप माइनस वन की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से करेंगे, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस का ए. क्लियर? तो इसको आप राइट डाउन करेंगे यहाँ पे रिजल्ट को इस तरीके से. क्लियर? नाउ मूव करते हैं पार्ट टू की तरफ. नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद माइनस वन इज. अब आपको यहाँ पे कुछ इंटीजर्स राइट डाउन करके दिए गए हैं, आपको जस्ट इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. ठीक है? यानी कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है. तो पार्ट ए की बात करते हैं, माइनस 22 मल्टीप्लाई बाय माइनस वन. ठीक है? सो अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर से होगी तो कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव. अब देखिए नेगेटिव एंड नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया. अब सिर्फ हमने 22 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, वन से. तो यहाँ पे क्या आ गया, 22. आप 22 ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम 22 भी लिख सकते हैं, तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है. ठीक है? क्लियर? नाउ बात करते हैं पार्ट बी की. नाउ यू हैव गिवन अ नंबर 37. 37 मल्टीप्लाई बाय माइनस के वन. ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे 37 कैसा है, पॉजिटिव, और 1 कैसा है, नेगेटिव. और पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा. सो अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव. 37 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 37. सो 37 माइनस 37 इज योर आंसर. नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 0 बाय माइनस 1. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं रूल की बात करती हूँ तो वही हो जाएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करनी है और हम जानते हैं किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 0. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सो दीज आर टू सम्स, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम योर एक्सरसाइज नंबर 1.3. एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो मोर क्वेश्चन. थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ.